था पहले से भी, हम लोग कांग्रेस ही थे पहले, मगर सबसे ज्यादा तो ये कांग्रेस के ठेकेदारों से मैं परेशान हूँ। लोक कल्याणकारी जो सुविधाएं या सरकार द्वारा केंद्र या प्रदेश द्वारा दिया जाना है, इससे आम जनमानस तक विकास होंगे जो स्मृति ईरानी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अमेठी में सब कुछ हुआ है, रोड बनी है, कृषि विज्ञान बना है, कितनी सारी रोडें बनी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बदल से गया है और चाहिए गया, विकास हो रहा है अमेठी का। आगामी चुनाव के पहले भी अभी जब हमारा देश संकट में कोरोना काल से जूझ रहा था, तब किसी को याद नहीं आया, ना कोई विपक्ष यहाँ पे दिखाई दिया, केवल स्मृति ईरानी जी के द्वारा यहाँ पे कार्य किए गए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई, जिसको लेकर लगातार पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। लगातार देखी जाए तो चुनावी समीकरण को लेकर के लगातार पार्टियाँ रोजगार को लेकर के, कहीं पर शिक्षा को लेकर के, कहीं पर सड़क को लेकर के, जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम बात करना चाहेंगे राजनीति में क्या दिलचस्प है, और शिक्षा पे वोट करेंगे कि व्यवसाय पर करेंगे, या पीड़ित किस चीज़ से, छुट्टा जानवरों से, किस विषय को लेकर के जनता वोट करेगी। 2024 का चुनाव का समीकरण भी किस तरह बनता नज़र आ रहा है। यहाँ पर मौजूद हैं अमेठी के रानीगंज में, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? इसहाक अहमद। भैया, यहाँ पर किस तरह से देखा जा रहा है चुनावी माहौल, क्या चल रहा है और किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करने जाएंगे? चुनावी माहौल अच्छा है भाजपा का, हाँ विकास के लिए वोट होगा। क्या आपको लग रहा है कि छुट्टा जानवर या ये रोजगार को लेकर के, आप युवा हैं, छुट्टा जानवर कोई प्रभाव, आप युवा हैं, युवा युवा है, विकास के मुद्दे पर वोट होगा, विकास का नहीं बीजेपी सरकार। ये थे युवा, जिस तरह कह रहे हैं कि हम युवा हैं, विकास को लेकर के वोट करेंगे, लगातार युवाओं से बात करने का प्रयास किया जा रहा है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जहां जानकारी लेने का प्रयास करेंगे किस मुद्दे को लेकर के अपना वोट करेंगे, क्या अहम मुद्दे दिख रहे हैं आपको, इस सरकार में क्या अच्छाई आपको लग रही है? हमारे लिए तो बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी की, काहे? इसलिए कि यहाँ आज से या पहले से भी, हम लोग कांग्रेस ही थे पहले, मगर सबसे ज़्यादा तो ये कांग्रेस के ठेकेदारों से मैं परेशान हूँ। हमारा ग्राम सभा माहिमो बहुत बड़ा ग्राम सभा है, और यहाँ तो आते हैं ठेकेदार और कहते हैं, कह के चला जाते हैं, हम लोग से कभी मिलते नहीं, या किसी से मिले हमको ये नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं मिलता, और यहाँ ठेकेदारी होती है। तो हम लोग तो अब की ये प्लान बनाए, जितने भी नए बच्चे लड़के हैं यहाँ जिता के भेजाएंगे स्मृति ईरानी को। शिक्षा, सड़क, नाली, रोजगार, ये लेकर के आप वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, इसी विषय पर ऐसे नहीं, नहीं प्रभावित हैं आप, किस लिए वोट करेंगे भाजपा को? हम भाजपा को, ये सबसे अच्छी बात है कि वो हमारे दरमियान आते हैं, मिलते हैं, दुख मुसीबत पूछते हैं, सबसे ज़्यादा हमको ये खुशी है। कांग्रेस जो पार्टी है इसमें दलाली ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो हमें ये तकलीफ है, दलाली से तकलीफ। ये थे युवा, इनसे हमने बात किया तो ये कांग्रेस के दलालों से परेशान है, लगातार कह रहे हैं कि भाजपा को ही वोट करेंगे। जिस तरह से बात की जाए अमेठी में, तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस तरह से चचा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, किस विषय पर वोट करेंगे और क्या रहेंगे इनके अहम मुद्दे, और क्या इनको इस सरकार में अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, किस विषय को लेकर के वोट करेंगे। क्या नाम चचा? आसिम। क्या आपको लग रहा है इस सरकार में क्या अच्छाई लग रही है? नहीं क्या है, देखो हमारे यहाँ सड़क सब खुली पड़ी है। किसको वोट देंगे? अरे बीजेपी तो तब से दी नहीं, लेकिन अब की उम्मीद नहीं ना, सड़क हमारे यहाँ सब गाड़ी खराब गई हमारे यहाँ आ गया। और क्या, किस लिए बीजेपी को देंगे, क्या अच्छाई लग रही है? बीजेपी को क्या है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, सुकून है, कोई तकलीफ नहीं। कहते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, हमारे यहाँ बहुत सुकून है, हम लोग बहुत एकता से रहते हैं। केएल शर्मा आ गए, केएल शर्मा को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहेंगे? केएल शर्मा लगातार बहुत जमाने से हैं, बहुत पुराने हैं, तो उनको क्यों वोट नहीं करेंगे, देखा जाएगा। ये थे चचा, ये कह रहा है बीजेपी को भी वोट करेंगे, केएल शर्मा को भी वोट कर सकते हैं, देखा जाएगा। क्या नाम है आपका भैया, किस पद पर हैं भाजपा में? मैं हरनाम सिंह, निवर्तमान जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद अमेठी। इस समय मेरे ऊपर दायित्व है सोशल मीडिया विकासी क्षेत्र और भाजपा का मंडल प्रभारी विश्वकर्मा। भाजपा 2024 का चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या क्या चुनौतियां होंगी आपके लिए? कोई चुनौतियां नहीं,
कहीं दूर दूर तक तो कहीं विपक्ष है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्मृति जी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जो जनादेश मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आगे ये लहर वहर कुछ नहीं है, तूफान चल रहा है। आम जनमानस इसके लिए निकल पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्मृति जी को जिताने के लिए। और लोक कल्याणकारी जो सुविधाएं या सरकार द्वारा केंद्र या प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है, जिससे आम जनमानस तक पहुंच रहा है, इसलिए कोई विपक्ष कहीं है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस के गठबंधन से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब चुनाव आया तो गठबंधन हो गया, उसके पहले जो जो मौसेरे भाई हैं अभी तक कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस अमेठी जनपद का विकास कैसे होगा, यहाँ के लोगों का दुख दर्द कैसे बढ़ेगा? जब चुनाव आता है तो गठबंधन हो जाता है, उसके पहले सब अलग अलग रहते हैं, सब आपस में बांटना चाहते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, कोई गठबंधन कहीं आपको अमेठी जनपद में दिखाई नहीं पड़ता होगा। आप युवा हैं, युवा के भविष्य के साथ लगातार ना सरकारी जॉब मिल पा रही है, लगातार संभावनाएं ही जीवित रह पा रहे हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में वोट करेंगे और आपको क्या लगता है क्या आपकी विचारधाराएं रहेंगी? विचारधाराएं कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दे विकास के होंगे जो स्मृति ईरानी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अमेठी में सब कुछ हुआ है, रोड बनी है, कृषि विज्ञान बना है, कितनी सारी रोडें बनी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बगल से गया है, और चाहिए क्या, विकास हो रहा है अमेठी का। दीदी जी जीत के जाएंगी फिर से सांसद बन के अमेठी से। लेकिन लगातार विपक्ष तो कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। यहाँ से केएल शर्मा जी जाएंगे वापस और स्मृति ईरानी जी फिर से सांसद चुनी जाएंगी, वो भारी बहुमत से जीतेंगी। गांधी परिवार का हमेशा गढ़ रहा है, लगातार गांधी परिवार के लोग चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं, अब की बार राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि केएल शर्मा लड़ रहे हैं, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? ये डर है सिर्फ राहुल गांधी जी का, जो चुनाव नहीं लड़े, उनको पता था चुनाव हार जाएंगे, लड़ेंगे क्या, इसीलिए अपने घर के भेज दिए उनको, केएल शर्मा जी को इसीलिए भेजे उनको, चुनाव जीतना है नहीं, क्या बेइज्जती करूँगा, चले गए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजा कौशल है। कौशल जी, लगातार अब की बार चुनाव में स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा है, जो देश की राजनीति का केंद्र होता है अमेठी, यहाँ से कैसे आप देखते हैं कांग्रेस चुनाव अच्छा लड़ पाएगी या भाजपा? अभी तो स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत रही हैं 2 लाख वोट से। क्या आप सभी लोग भाजपा ही हैं कि एक साथ में जिता रहे हैं लगातार स्मृति ईरानी जी को? कि यहाँ हम भाजपा, मतलब भाजपा में है, भाजपा हमारा परिवार है, अमेठी भी हमारा परिवार है। नेहरू गांधी का ये गढ़ रहा है, कहते हैं कि यहाँ 40 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या ऐसी स्थिति हो गई जिससे आप लोग नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ना था, लेकिन लोग कह रहे हैं जब राजा ही भग गया तो सेना की क्या ज़रूरत है, बताइए। वो तो एक क्या कहते हैं, लोग उनको कहते हैं कि वो तो मतलब उनके यहाँ काम वाम करते थे एक चपरासी के तौर पर, बताइए राजा छोड़ के भाग गया, अब चपरासी को चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आप सब लोग इसीलिए नाराज हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस वजह से भाजपा को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल। आप युवा हैं, शुरू से भाजपा में थे और भाजपा में हैं, हमारी उम्मीद है कि इस बार फिर पुनः मैं दीदी स्मृति ईरानी जी को पुनः सांसद बना के भेजूंगा। क्या नाम है भैया? गौरव गुमान सिंह नाम है भैया। आपके यहाँ लगातार चुनाव चल रहा है लोकसभा का, जी तो कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का हमेशा अमेठी गढ़ रहा है, अमेठी देश की राजनीति में चर्चा का विषय रहता है, तो इस बार किसको वोट करने वाले हो, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किसको वोट करेंगे? भैया विकास का मुद्दा हमारे यहाँ चल रहा है प्रदेश में, और जो है हमारे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, यहाँ पर हमारे विकास के मुद्दे साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर रोडों का विकास हमेशा भाजपा की सरकार में हुआ है, और विपक्ष क्या भैया, वो तो गढ़ रहा है इस आगामी चुनाव के पहले भी, अभी जब हमारा देश संकट में कोरोना काल से जूझ रहा था तब किसी को याद नहीं आया, ना कोई विपक्ष यहाँ पे दिखाई दिया, केवल स्मृति ईरानी जी के द्वारा यहाँ पे कार्य किए गए, भैया मास्क सैनिटाइजर सबका वितरण हुआ। जब देश हमारा खतरे में रहता है तो राहुल जी हमेशा यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, जैसे पिछले वर्ष वायनाड छोड़ के चले गए, इस बार उनको पता था कि सर्वे क्या कह रहा है, इसलिए ये सीट भी इस बार छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं केएल शर्मा राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं स्मृति ईरानी को किस तरह से टक्कर दे पाएंगे और क्या इसमें किसकी जीत होगी और किसको वोट करेंगे आप? भैया अब वोट इसमें तो जिसको करना है वो सब करेंगे विकास को देखते हुए,
और केएल शर्मा की जहां तक बात रही है, वो प्रतिनिधि भले हैं भैया, लेकिन आज तक उनको कोई जानता नहीं है। विगत वो कभी भी रहे होंगे पीआरओ जो भी हैं, आज तक कभी क्षेत्र में नहीं आए हैं सुनने आज तक किसी की जनता की कोई समस्याएं। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि लगातार 40 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको यहाँ लोग एक एक लोग जानते हैं, तो ऐसे में क्या देखते हैं कि ठीक ठाक चुनाव लड़ पाएंगे केएल शर्मा जी? ये पार्टी है भैया, इसका दावा तो हमेशा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी उनको विगत गांव में जानते हैं, हर जगह जानते हैं, पर जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट है भैया, वहाँ तक हमें लगता है कि हमने युवाओं से बात किया तो लोग उनको कभी आज से पहले 5 साल अपने संसदीय क्षेत्र में कभी देखे भी नहीं है भैया। आए हुए भी है, जब नामांकन का हुआ तब अचानक से किशोरी लाल ला के खड़ा कर दिए। अब हमें तो नहीं पता भाई साहब कौन है, हमारा सब लोग का वोट भैया फिक्स है, जहाँ जाना है विकास के कार्यों को देख के, युवाओं को नौकरी देख के, जो हमारे यहाँ एम्स ट्रामा सेंटर है, आप हाईवे की बात कर लें, आईटी सेक्टर बात कर लें, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, हर तरफ मोदी जी और योगी जी की सरकार ने काम किया है। नाम है भैया? हमारा नाम है राहुल पारा सर। 2024 का चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये अमेठी है, अमेठी में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, नेहरू गांधी परिवार का हमेशा गढ़ रहा है, यहाँ से अगली बार इस गढ़ को ढहाने में भाजपा कामयाब रही है। इस बार आप इसको कैसे देखते हैं और क्या होंगे चुनावी मुद्दे? हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो दीदी एक तरफा जीत भी रही हैं और एक तरफा है भी उनका भी, क्योंकि उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं उनमें हमको तो दम दिख नहीं रहा है। क्या आप काम 5 काम बता सकते हैं भाजपा के, क्या ऐसे काम किए हैं जो कि एक तरफा चुनाव जीत रही है दीदी जी? भाजपा का अगर एक तरफा मुद्दा देखा जाए तो अपना रोड का बात देख सकते हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, जल जीवन मिशन भी चल रहा है यूपी के अंदर, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया की है। उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो है अपना राम मंदिर का मुद्दा है, तो उसमें भी तो अपना जो अगर बीजेपी को वोट देने का सबसे बड़ा मकसद है तो वो है राष्ट्र इसमें वोट करना, राष्ट्र इसमें। बाकी अपना कॉलेज वगैरह भी डेवलपमेंट हुआ है इधर रायबरेली तरफ, अभी जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है यूपी के अंदर भी, आप देख सकते हैं छवि। क्या राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या यहाँ की क्या स्थितियाँ होती है, और जो अब केएल शर्मा लड़ रहे हैं तो स्मृति ईरानी के सामने कैसे चुनौतियाँ रहेंगी, क्या रहेगा? देखिए अगर अपन देखा जाए तो राहुल गांधी लड़ते हैं तो एक थोड़ा असर पड़ता उस चीज़ का, लेकिन फिर भी चुनाव में वोटिंग के आधार पर अपन देखें यहाँ का जो माहौल है आज का, बीजेपी जीतेगी और जीतना है वो फाइनल है। क्या नाम है भैया आपका? ये अमेठी के ही रहने वाले हैं। 2024 का चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी इस समय चुनाव मैदान में नहीं, उनके प्रतिनिधि केएल शर्मा स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ रहे हैं, तो ऐसे हम कैसे देखते हैं चुनाव में क्या रणनीति रहेगी और कैसे चुनाव होगा? भाई जहां तक हमारा जो आंकड़ा जो उम्मीद है वो तो भाजपा का ही है। किस लिए भाजपा का है? लिए विकास। क्या विकास हुए हैं? रोड का हुआ, लोगों का हुआ, काम मिला। आप युवा हैं, आप रोजगार के लिए वोट करेंगे या विकास को, या ये मोदी जी का चेहरा देख करके वोट करेंगे? नहीं, मोदी का चेहरा देख के करेंगे, क्योंकि विकास तो जो हुआ हुआ ठीक है हम मानते हैं, मगर जो आप बता रहे हो कि रोजगार के लिए, रोजगार के लिए हकीकत अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या रोजगार के लिए कुछ नहीं, बाकी विकास किया है। तो किस लिए वोट करेंगे, किस मुद्दे पर करेंगे? विकास के लिए, मोदी है तो सब कुछ है। रोजगार भी नहीं मिला, मोदी है तो सब कुछ है। अभी नहीं हुआ, आगे वाले 5 साल में तो देगा। उम्मीदें हैं, उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद है कि घर का अगर एक मेंबर है ना और 10 लोग फैमिली में है तो 10 को खुश नहीं रख सकता। किसे वोट करेंगे? कंफर्म? कंफर्म हमारा भाजपा ही है। क्यों? क्योंकि उम्मीद है हमें आगे काम मिलेगा, हमें विकास मिलेगा। क्या नाम है आपका? विनीत तिवारी। तिवारी जी, 2024 का चुनाव चल रहा है, ऐसे में जातिगत समीकरण भी देखे जा रहे हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, आपके क्षेत्र में लगातार बनी भी रही हैं, तो ऐसे में कैसे देखते हैं, किस मुद्दे को लेकर के चुनाव करेंगे आप? देखिए जहाँ तक बात अगर जात की है तो जात देख के जो है वोटिंग नहीं की जाएगी, जो विकास करेगा उसी के पक्ष में जनता जाएगी, चाहे कोई विकास का हो। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अमेठी में जिस तरह विकास हुआ है प्रेजेंट टाइम में, आने जाने के लिए सड़क सुविधाएं, गांव गांव तक सड़क जोड़ योजना, देखिए जल जीवन योजना चल रही है, और देखिए पीपा पुल का निर्माण हो गया, आने जाने के लिए दूसरे गाँव जाने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा रही है, उस तरह देखते हुए आने वाले समय में बीजेपी ही सरकार रहेगी। आप युवा हैं, आपको रोजगार नहीं मिल पाया, ऐसे में कैसे देखते हैं आप, किसको वोट करेंगे? सर लगे हुए हैं रोजगार, सब लोग लगे हुए हैं रोजगार के पीछे, लेकिन आप जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है उस तरह अवसर कम है, इसलिए खुद का व्यवसाय पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।
आपको लगता है कैसे वोटिंग होगी, युवा क्या किस तरह वोट करेंगे? बस वही सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए जो है जय श्री राम वाला था, जैसे कि मंदिर बन गया और सबसे बड़ी बात हम लोग के लिए, तो सीधा जो है बीजेपी को हमारा वोट जाएगा। और एक तरफ तो राहुल जी अपना बयान में आके बोलते हैं कि 370 लागू दोबारा करेंगे अगर यदि हमारी सरकार बनेगी, तो ये तो बहुत गंदी सोच है ना। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक अपना पत्ता नहीं खोल रही है, ये बहम में रख रही है कि मैं किसको वोट करूंगा किसको नहीं करूंगा। सबसे दिलचस्प बात ये है कि यहाँ इनकी सड़क खराब है, लगातार सड़क खराब को लेकर के नाराज नजर आ रहे हैं। अमेठी से न्यूज वर्ल्ड के लिए विक्रम भदौरिया।